आप देख रहे हैं चमनिया, वक्त हो गया है खबरों का। असम के बोकाजान में पुलिस ने सोने की तस्करी के आरोप में महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि महिला ने आधा किलो सोना अपने प्राइवेट पार्ट में छुपा कर रखा था। मुखबिरों से पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां पर सोने की तस्करी होने की आशंका है। इस आधार पर पुलिस ने अपनी तलाशी अभियान को बढ़ाया और दो तस्करों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी भी हासिल की। कोहिमा से गुवाहाटी जा रही एक बस में सवार दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि महिला ने सोने को अपने प्राइवेट पार्ट में छुपा कर रखा था, जिससे किसी को कोई शक ना हो सके और आसानी से सोने की तस्करी की जा सके। ये तस्कर सोने को बेचने के लिए मणिपुर के इम्फाल से गुवाहाटी ला रहे थे। सोने को जब्त कर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले पर APS जॉन दास का कहना है कि एक गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार को मणिपुर से गुवाहाटी जा रही एक बस में दो तस्करों के होने की खबर मिली थी, जिसके तहत हमने बस को रोका और एक महिला और उसके साथी युवक को हिरासत में ले लिया। इसके बाद दोनों की अलग अलग तलाशी ली गई और आधा किलो सोना बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि महिला अपने गुप्तांग में आधे किलो वजन के 3 बिस्कुट छुपाए हुए थी। आरोपियों की पहचान इंदुवाला पोंगरा और उगेश पोंगरा के रूप में की गई है। तो ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए HM News के साथ।